गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। वो ट्रांसफार्मर में आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल तथा ऑटो ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होता है, ये क्या काम आता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर में क्या उपयोग होता है। ऑयल ट्रांसफार्मर को क्या करता है, ठंडक देता है। ठंडक मतलब जब ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा रखने के लिए, शीतलन करने के लिए हम ट्रांसफार्मर ऑयल उपयोग किए जाते हैं। तो ये क्या होगा आपका, शीतलन और तथा अचालकता, चालक के रूप में प्रयोग होता है। तो आप देखोगे ट्रांसफार्मर आप देखो जो छोटे ट्रांसफार्मर है उसमें ये प्रयोग नहीं किया जाता, जो बड़े ट्रांसफार्मर है तो उसमें हम ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रयोग करते हैं। क्यों, ट्रांसफार्मर बहुत अधिक गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए हम ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का पहला काम क्या है, शीतलन। ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रयोग किया जाता है। तो ये ट्रांसफार्मर के अंदर आपकी जो वाइंडिंग होती है पूरी वाइंडिंग को घेरे रखता है। तो इसमें क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर की पूरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में डूबी होती है तो ये आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए ट्रांसफार्मर ऑयल हाई अचालक के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी बहुत अधिक अचालक भी होता है। अचालक मतलब इसमें धारा इधर से इधर प्रवाहित नहीं होती। तो ये साथ में क्या है आपका, अचालक के रूप में भी कार्य करता है। तो आप देखोगे कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, ट्रांसफार्मर ऑयल का क्या काम है। तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, एक शीतलन, दूसरा अचालकता, ए बी सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जल्दी मत करना, आपने देखा कि ट्रांसफार्मर ऑयल हमें सबको पता है कि शीतलन, आप एक ए टिक कर दोगे। ऐसे नहीं, पूरा क्वेश्चन को पढ़ो आराम से। ट्रांसफार्मर ऑयल का क्या काम है, शीतलन और अचालक दोनों का काम है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, सी दोनों। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी तो स्टूडेंट ट्रांसफार्मर ऑयल में पहला क्या है आपका, खनिज तेल। ये खनिज तेल क्या होता है, ये पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होता है। किसके शोधन से, पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त होता है। ये एक किस्म का हाई ग्रेड का मोबिल ऑयल ऑयल ही होता है। जो क्या है, इसकी क्या खासियत होती है, ये ज्वलनशील नहीं होता है। ठीक है, ये वाष्पीकृत भी नहीं होता है। क्या होता है, वाष्पीकृत नहीं होता है। और ये नमी रहित होता है, यानी इसमें नमी नहीं होती। अगर ट्रांसफार्मर ऑयल में नमी होगी तो वो क्या होगा, उसकी अचालकता खत्म हो जाएगी, इसलिए ट्रांसफार्मर ऑयल में नमी नहीं होती। ये ज्वलनशील नहीं होता है, यानी ज्वलनशील, इसका टेम्परेचर बढ़ने पर ये जलता नहीं है। वाष्पीकृत, जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो उसकी वाष्प बन जाती है, उसी प्रकार ये हाई टेम्परेचर पर भी वाष्पीकृत नहीं होता है और नमी रहित, ये इसमें नमी नहीं होती है। तो ये आपका खनिज तेल जो क्या है, ट्रांसफार्मर ऑयल के रूप में प्रयोग किया जाता है।
पहला हमने पढ़ा है खनिज तेल, दूसरा आपका सिंथेटिक ऑयल, सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक ऑयल क्या होता है? ये ट्रांसफार्मर, जैसे हमने अभी खनिज तेल पढ़ा है उसी हिसाब से सिंथेटिक ऑयल भी होता है। ये क्या है? सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन द्रव्यों से तैयार किया जाता है। अब आपसे पूछ ले सिलिकॉन ऑयल क्या होता है, तो हम बताएंगे कि ये सिलिकॉन, सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन द्रव्यों को मिलाकर बनाया जाता है, द्रव्यों से तैयार होता है, द्रव्यों से तैयार होता है। हाइड्रोकार्बन द्रव्यों से तैयार होता है। सिंथेटिक ऑयल की कीमत खनिज तेल ऑयल की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग विशेष प्रकार के ट्रांसफार्मर में किया जाता है। विशेष प्रकार मतलब जो ट्रांसफार्मर जहां गर्मी अधिक हो, यानी हमें विशेष पर्पज के लिए यूज करना हो। जैसे इसका उपयोग किस ट्रांसफार्मर किया, जैसे खदानों में, जैसे सुरंग में, खदानों में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, ये विशेष ग्रेड का ऑयल है तो इसका उपयोग हम विशेष ट्रांसफार्मर जैसे सुरंग में, खदानों में, इन ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एक अच्छे ट्रांसफार्मर ऑयल में क्या क्या गुण होने चाहिए, ट्रांसफार्मर के गुण, ट्रांसफार्मर ऑयल के गुण। अब ट्रांसफार्मर ऑयल है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए? पहला तो वो सबसे पहला अच्छा अचालक होना चाहिए, अच्छा अचालक, यानी जब हम ट्रांसफार्मर ऑयल, जितना अच्छा अचालक होगा उसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो हमें ट्रांसफार्मर ऑयल क्या है, ट्रांसफार्मर ऑयल अच्छा अचालक होना चाहिए। सेकंड, यह उच्च विशिष्ट ऊष्मा रखने वाला होना चाहिए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा रखने वाला होना चाहिए, यानी सेकंड पॉइंट आपका उच्च विशिष्ट ऊष्मा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा रखने वाला। यहां उच्च विशिष्ट ऊष्मा का मतलब है यह ऊष्मा का अच्छा चालक होना चाहिए, ऊष्मा का अच्छा चालक होना चाहिए। यानी अगर इसकी ऊष्मा बढ़ती है तो ऊष्मा आराम से इसके अंदर से प्रवाहित हो जाए, ऊष्मा, ठीक है, तो ऊष्मा का अच्छा चालक। ये आपके दो, तीसरा पॉइंट अगर हम ट्रांसफार्मर ऑयल को वातावरण में खुला छोड़ दें तो ये नमी नहीं सोखने वाला होना चाहिए, नमी नहीं सोखने वाला। यानी हम ट्रांसफार्मर ऑयल को खुला छोड़ देंगे तो ट्रांसफार्मर ऑयल नमी को अवशोषित नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका चार नंबर, लो विस्कोसिटी, निम्न विस्कोसिटी। निम्न विस्कोसिटी का मतलब है ये गाढ़ा नहीं होना चाहिए। जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल देखोगे विस्कोसिटी का, कि शहद की विस्कोसिटी अधिक होती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का अगला गुण क्या है, निम्न विस्कोसिटी का मतलब क्या हो गया, ये आसानी से प्रवाहित हो,
यानी कि सरलता से प्रवाहित हो, से प्रवाहित हो। अब आपको पता होना चाहिए विस्कोस्टी क्या होता है। विस्कोस्टी किसी द्रव का गाढ़ापन, जैसे हम शहद लेते हैं, शहद को हम जैसे याद रखते हैं तो वो धीरे धीरे नीचे आता है, तो इसकी सरलता से प्रवाहित नहीं होता ना शहद। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं पानी का, पानी जल्दी आ जाता है, तो पानी की विस्कोस्टी कम होती है और शहद की विस्कोस्टी बहुत अधिक। तो हम यहाँ देखेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल की विस्कोस्टी कम होनी चाहिए। कम होनी मतलब यहाँ से वो जल्दी प्रवाहित हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर अभी हमने जितने पढ़े हैं ट्रांसफार्मर की दो बाइंडिंग पढ़ी है। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है? एक बाइंडिंग होती है, एक बाइंडिंग, सिंगल बाइंडिंग। यही बाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का काम करती है। तो ये होता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। अगर ऑटो ट्रांसफार्मर हम इस डायग्राम से देखें तो ऐसे होगा, अगर ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। तो आप देखो ऑटो ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग का पार्ट ज्यादा है, यानी जो पूरी वाइंडिंग है उसका पूरा भाग हमने प्राइमरी वाइंडिंग में लिया है और कुछ भाग सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो ये क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ वोल्टेज कम होगी तो ये क्या होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। ये हो जाएगा आपका स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर, जिसमें कुछ अंश सेकेंडरी को दिया जाता है। अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो आप देखोगे ये आपकी पूरी वाइंडिंग है, तो इसका मैक्सिमम पार्ट क्या हो जाएगा? सेकेंडरी वाइंडिंग और कुछ पार्ट प्राइमरी वाइंडिंग। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में ज्यादा टर्न है, ज्यादा वोल्टेज है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे स्टेप अप, स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर। सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है ऑटो ट्रांसफार्मर, जिसमें सिंगल वाइंडिंग हो, एक ही वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग का कार्य करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का। अगर ये एक ही वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग का कार्य करती है तो ये ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है? तो आप देखोगे ये किस पे सिद्धांत करता है? स्वय प्रेरण, स्वय प्रेरण, स्वय प्रेरण, यानी सेल्फ इंडक्टेंस। ऑटो ट्रांसफार्मर आपका क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस पे के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें आपका मोस्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर आपका क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका हम एक उपयोग देखेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग हम कहां करते हैं? वोल्टेज स्टेबलाइजर में, वोल्टेज स्टेबलाइजर में। वोल्टेज स्टेबलाइजर में इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण में और बूस्टर में, या आपको तीन दो इंक दो का पता होगा, वोल्टेज स्टेबलाइजर जो वोल्टेज को कम ज्यादा करता है, ठीक है, और इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण। इंडक्शन मोटर एसी मोटर जिसकी हम गति को कंट्रोल करते हैं उसमें, और बूस्टर, बूस्टर, बूस्टर आपका क्या होता है? इसको हम डीसी ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, बूस्टर को हम डीसी ट्रांसफार्मर कहते हैं, जो डीसी की वोल्टेज को कम ज्यादा करता है बूस्टर। उसमें क्या लगा होता है आपका? ऑटो ट्रांसफार्मर। तो एक इसका सबसे अच्छा ऑटो ट्रांसफार्मर का सबसे अच्छा फायदा क्या होता है? ये निम्न वोल्टेज परिवर्तनों पर, निम्न वोल्टेज परिवर्तनों पर इसका वोल्टेज नियंत्रण भी सामान्य ट्रांसफार्मर की अपेक्षा अच्छा होता है, यानी इसका वोल्टेज नियमन, वोल्टेज रेगुलेशन सामान्य ट्रांसफार्मर की अपेक्षा अच्छा होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक था ट्रांसफार्मर ऑयल और ऑटो ट्रांसफार्मर। ओके।